हाय फ्रेंड्स, मैं सैयद हूँ। आज मैं आपको अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा और उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, उसके स्ट्रेंथ के बारे में और उसके एप्लीकेशंस के बारे में भी आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट की, वो 130 से 160 MPa, यहाँ तक उसकी स्ट्रेंथ होती है। अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट मेड विथ हाई स्ट्रेंथ स्टील फाइबर्स, फाइन सैंड, सीमेंट, फ्लाई ऐश, लार्ज वॉल्यूम ऑफ SF, लो अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें ये कंटेंट्स होते हैं। यदि अगर हम उसके यानी कि अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अगर बात करते हैं, तो उसकी जो नॉर्मल कंक्रीट जो यूज़ होता है ब्रिज में, उसकी स्ट्रेंथ जो होती है, उसकी स्ट्रेंथ 3000 से 5000 PSI तक की स्ट्रेंथ होती है नॉर्मल कंक्रीट की। यदि अगर हम देखे जाएँ तो अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है 18000 से 35000 PSI तक की स्ट्रेंथ होती है और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है 1400 PSI तक की होती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँ कि अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट फ़िलहाल तो अभी इंडिया में नहीं यूज़ होता। रिसेंटली एक पुणे में इसका एक प्लांट ओपन हुआ है, ये 30 तारीख को वहाँ पर मैन्युफैक्चर होने वाला है अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिनों बाद अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट मार्केट में बहुत चलने वाला है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ड्यूरेबल है। फ्रेंड्स, इसके जो एप्लीकेशंस हैं अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट जो है, प्री स्ट्रेस गर्डर में यूज़ होता है, प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल में इसे हम यूज़ करते हैं और यदि अगर देखा जाए तो मिलिट्री के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पर भी इसे हम यूज़ करते हैं। टॉल स्ट्रक्चर्स, प्रीकास्ट पैनल फॉर ब्रिज डेक्स, यहाँ पर भी इसे हम यूज़ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कॉन्क्रीट में जो है सीमेंट होता है, सिलिका फ्यूम होता है, स्टील फाइबर्स होते हैं, वाइट सैंड, सुपर प्लास्टिसाइजर्स भी इसमें होते हैं। फ्रेंड्स, आपको कंफ्यूज हो रहा होगा ये सिलिका फ्यूम क्या होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन देता हूँ। सिलिका फ्यूम जो होता है, ये एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी बनाने के लिए जो है सीमेंट में यूज़ करते हैं। इसकी एक रिएक्शन होती है, सिलिका फ्यूम रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑन हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट प्रोड्यूस कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट विथ हैज़ गुड बाइंडिंग प्रॉपर्टी। आई होप कि ये जो सिलिका का डिस्कस करते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर, ये कंसेप्ट है आपको कन्फ्यूज करने वाला। जो ये सुपर प्लास्टिसाइजर जो ये हाई रेंज वाटर रिड्यूसर होता है, यूज्ड इन मेकिंग हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट। सुपर प्लास्टिसाइजर अलाउ रिड्यूस इन वाटर कंटेंट बाय 30% और मोर। यानी कि यदि अगर सीमेंट या फिर कंक्रीट में पानी का प्रमाण ज़्यादा होता है तो उसे रिड्यूस करने के लिए हम सुपर प्लास्टिसाइजर यूज़ करते हैं। और जो ये स्टील फाइबर्स जो होते हैं, ये कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं उसे बढ़ाने के लिए स्टील फाइबर्स हम कंक्रीट में यूज़ करते हैं। आई होप कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी।